मैं आपको बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। यस, ये जो वीडियो है ये यूनिट टेस्ट टर्म एग्जाम के लिए नहीं है, ये आपकी वीडियो है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो हाय एवरीवन, कैसा आप सभी लोग, मिस्टर सॉन्ग भैया। एंड आज का वीडियो फर्स्ट वीडियो है मराठी सब्जेक्ट के ऊपर आपके बोर्ड एग्जाम्स 2025 के लिए। अब जो मैं आपको एक सिंपल सा पॉइंट बोलता हूँ, ये वीडियो को जिस भी स्टूडेंट ने एंड तक देख लिया ना, ट्रस्ट मी, वो अपने मराठी के बोर्ड एग्जाम्स के अंदर 85 प्लस 90 प्लस इजीली लेके आ जाएगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज गाइस मैंने खुद ने आज से 2 साल पहले क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम्स दिए थे। एंड यस, जो हमारे प्री बोर्ड्स होते हैं लाइक बोर्ड एग्जाम से पहले 1 से 1.5 महीने पहले जो अपने स्कूल के एग्जाम्स होते हैं, वहाँ पे मैं फेल हो चुका था, बिकॉज आई वॉज अ एवरेज बिलो एवरेज स्टूडेंट इन मराठी। बट बोर्ड एग्जाम्स के अंदर जो अपने मेन बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, वहाँ पे मैंने स्कोर किया था 86 out of 100 इन मराठी सब्जेक्ट। तो ये जो 1 से 1.5 महीना है, 1 से 1.5 महीने के अंदर मेरे को पूरा गेम समझ में आ गया था कि मराठी किस तरह से प्रिपेयर करना है, किस तरह से स्टडी करना है मराठी के सब्जेक्ट के लिए। एंड यस, वही सेम स्ट्रेटेजीज, वही सेम सीक्रेट ट्रिक्स मैं आपसे के साथ शेयर करने वाला हूँ। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देख रहे हो। एंड जो भी चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, मेरे को फर्स्ट टाइम देख रहा है, नीचे एक सब्सक्राइब बटन होगा, उसे जल्दी से क्लिक कर दो, बिकॉज आपके बाकी के सब्जेक्ट्स के लिए भी सेम टू सेम ऐसे वीडियोस फ्यूचर में भी आने वाले हैं। अब देखो, मैं आप सभी लोगों के लिए एक ब्रह्मास्त्र लेके आया हूँ। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, यानी कि 2024 के अंदर जो भी आपके सीनियर्स थे उन्होंने जो बोर्ड एग्जाम दिया था, ये उसका क्वेश्चन पेपर है। अब देखो यार, कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर आपको उसमें अच्छे मार्क्स चाहिए, फर्स्ट थिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज अंडरस्टैंड द पेपर पैटर्न। अब पेपर पैटर्न क्या होता है भैया? पेपर पैटर्न मतलब आपके जो क्वेश्चंस हैं, कितने मार्क्स के लिए पेपर आएगा, कितने टाइम मिलेगा आपको, कितना टाइम मिलेगा, ऑल्सो हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए आएगा, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब मैं आपको मराठी के पेपर के लिए एक सिंपल सा ओवरव्यू दे देता हूँ। आपके मराठी का पेपर टोटल 80 मार्क्स के लिए आएगा, जिसके लिए आपको टोटल 3 आवर्स मिलने वाले हैं। एंड देखो, ये जो 80 मार्क्स है ना, ये टोटल 5 सेक्शन में डिवाइडेड है, जैसे कि गद्य विभाग, पद्य विभाग, स्थूल वाचन, भाषाभ्यास, उपयोजित लेखन। अभी जो 5 सेक्शंस हैं, आपको ये 5 सेक्शंस को एकदम अच्छे से प्रिपेयर करना है। एंड देखो यार, मैं क्या सोच रहा हूँ, हम लोग एक न्यू सीरीज स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे हम लोग बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को एकदम डिटेल में एनालाइज करेंगे कि हर एक क्वेश्चन कौन से चैप्टर में से आता है, हर एक चैप्टर में से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपको एक डिटेल में वीडियो सीरीज चाहिए हर एक सब्जेक्ट के लिए, मतलब जो बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर है, हम लोग उसे एनालाइज करेंगे। अगर आपको इस टाइप का वीडियो चाहिए तो आपको कमेंट करना है। यस भैया, अगर 100 कमेंट्स मेरे को दिख जाते हैं, स्पैम कर देना अगर मेरे को 100 कमेंट्स दिखते हैं, तो यस, हम लोग ये वाली वीडियो सीरीज भी जल्दी स्टार्ट करेंगे। एंड अगर आप कमेंट करने जा ही रहे हो, आपको एक लाइक का बटन दिख रहा होगा, उसे जल्दी से क्लिक कर लो। आपके हर एक लाइक से आपके भैया को बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। एंड इस वीडियो पे एम करते हैं पूरे 300 लाइक्स का, तो यस कंप्लीट करवा दो, सारे जो भी आपके फ्रेंड्स हैं क्लास 10th के, उनके साथ वीडियो को शेयर कर दो। अब ये जो मराठी का पेपर पैटर्न है, इसके लिए मैंने ऑलरेडी डिटेल में एक वीडियो बना दी है, यहाँ पे लिंक आ गया होगा, आपको उसे जाके चेकआउट करना है। देन गाइस, अब बात आती है भैया हमें आज से, यानी कि ये मैं वीडियो बना रहा हूँ जुलाई के मंथ में, सो हमें जुलाई, अगस्त, यहाँ से लेकर बोर्ड एग्जाम्स आने तक किस तरह से प्रिपेयर करना है, पूरे साल के अंदर किस तरह से प्रिपेयर करना है, ताकि हम लोग बोर्ड एग्जाम्स के अंदर अच्छे मार्क्स, बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर लें। तो देखो, सबसे पहली चीज है रीड योर टेक्स्ट बुक डेली। अब देखो, टेक्स्ट बुक रीडिंग ना बहुत सारे स्टूडेंट्स पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं, मतलब ध्यान ही नहीं देते, मतलब स्टूडेंट्स तो टेक्स्ट बुक नहीं खरीदते हैं। आप तो उनमें से नहीं आते हो ना, अगर आपने टेक्स्ट बुक नहीं खरीदी अभी तक, जल्दी जाके खरीद लेना, बिकॉज गाइज लैंग्वेजेस के अंदर अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए, टेक्स्ट बुक रीडिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड देखो, सिर्फ ऐसे नहीं करना है कि फॉर एग्जाम्पल ये टेक्स्ट बुक है तो आपको क्या आ गया एंड सिर्फ पढ़ रहे हो, नहीं, ये पैसिव रीडिंग होती है, हमें एक्टिव रीडिंग करना है। एक्टिव रीडिंग मतलब हर एक वर्ड को कॉन्शियसली रीड कर रहे हो, उसके अंदर जो भी काना मात्रा है उसे देख रहे हो, एंड आप उसे जोर से स्पेल आउट कर रहे हो, मतलब जोर जोर से बोल के रीड कर रहे हो। अब देखो, इससे होगा क्या, सबसे पहली चीज तो आपके स्पेलिंग मिस्टेक्स एकदम कम हो जाएंगे, बिकॉज आप रीडिंग कर रहे हो, आपको पता है कौन से वर्ड के अंदर, कौन से कनेक्टिंग वर्ड के अंदर कौन सी काना मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, बड़े की मात्रा, छोटे की मात्रा, ये सारी चीजें यूज होती हैं, उसके वजह से आपके स्पेलिंग मिस्टेक्स एकदम कम हो जाएंगे। एंड जितने भी नॉन महाराष्ट्रियंस देख रहे हैं, आपका जो वर्ड फॉर्मेशन है, सेंटेंस फॉर्मेशन है, वो आपका काफी अच्छा होने वाला है। सो मेक श्योर आप लोग एक रूल बना लो कि पूरे वीक के अंदर डेली 30 मिनट्स, मिनिमम टू मिनिमम आप 30 मिनट्स रीडिंग कर रहे हो, डेली रीडिंग कर रहे हो। एंड अगर पूरे वीक के अंदर ही पॉसिबल नहीं है, तो वीक के अंदर मिनिमम टू मिनिमम 4 डेज आपको रीडिंग करना ही है, फिर जैसे कुछ भी हो जाए। अब अगर 4 डेज की बात कर ही रहे हैं, हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, दैट इज आपको वीक के अंदर मिनिमम टू मिनिमम 4 डेज लैंग्वेजेस पे ध्यान देना है। आपको मराठी के सब्जेक्ट को
फुल फोकस के साथ पढ़ना है। अब देखो ये जो चार दिन है ना वीक के अंदर, इनके अंदर आपको क्या पढ़ना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप मंडे ट्यूजडे वेनसडे ये जो तीन दिन है आप पूरी तरीके से साइंस मैथ्स एसएसटी इनके ऊपर डाल देते हो, मतलब पूरा टाइम यही सारी चीजों को देते हो। एंड जो रिमेनिंग फोर डेज है दैट इज थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, ये जो चार दिन है ना, एक काम करते हैं थर्सडे को भी साइंस मैथ्स को दे देते हैं हम लोग तीन दिन, यानी कि फ्राइडे सैटरडे संडे ये जो तीन दिन है हम लोग लैंग्वेजेस के ऊपर ज्यादा अच्छे से फोकस करेंगे। लैंग्वेजेस के अंदर क्या क्या पढ़ना है लिख लो एक पेपर लो, एंड जो जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ उसे आपको नोट डाउन करना है। सबसे पहली चीज, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टेक्स्ट बुक रीडिंग, यस वो तो करनी ही है। आफ्टर दैट गाइज द सेकंड थिंग इज पोएम अंडरस्टैंडिंग, यस आपके बोर्ड एग्जाम्स के अंदर पोएम की जो अंडरस्टैंडिंग है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब पोएम का जो मीनिंग है ना वो आपको समझ में आना चाहिए कि पोएम किस बारे में है, उसका सेंट्रल थीम क्या है, एंड पोएट कौन सा थॉट कन्वे करना चाहता है, कौन सा मैसेज कन्वे करना चाहता है, ये चीज आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। सो हम लोग फ्राइडे सैटरडे संडे यूट्यूब पे जाएंगे, बहुत सारे पोएम्स की एक्सप्लेनेशन है उसे चेक करेंगे, उसे पढ़ लेंगे, एंड देन आफ्टर दैट ग्रामर। यस आपके जो मराठी का ग्रामर है काफी सिंपल है, इनफैक्ट मैंने खुद ने आप सभी लोगों को सिर्फ और सिर्फ 12 मिनट्स के अंदर पूरा मराठी ग्रामर पढ़ा दिया है, यहाँ पे लिंक आ गया होगा आपको जाके चेकआउट कर लेना है, हर एक चीज मिलेगी यार आप सभी लोगों को। ऑल्सो आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं, डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम दोनों की लिंक है, आपको जाके फॉलो एंड ज्वाइन कर लेना है, काफी सारे अपडेट्स मैं इंस्टाग्राम पे देते रहता हूँ। एंड यस बहुत जल्द हम लोग इंस्टाग्राम पे लाइव आने वाले हैं, तो आप लोग मेरे साथ वन ऑन वन इंटरेक्ट कर पाओगे, एंड आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप लोग इंस्टाग्राम लाइव पे भी पूछ सकते हो। सो मेक श्योर आप फॉलो कर रहे हो, एंड यस टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना। आफ्टर दैट गाइज ग्रामर होने के बाद में आप सभी लोगों को ध्यान देना है राइटिंग स्किल्स के ऊपर, जो आपके राइटिंग स्किल्स हैं ट्रस्ट मी फिर जैसे हो इंग्लिश हो हिंदी हो मराठी हो, आज हम लोग स्पेशली मराठी की बात करेंगे। अब मराठी के पेपर के अंदर टोटल 24 मार्क्स के लिए, यस 80 मार्क्स का तो पेपर ही है जिसमें से 24 मार्क्स के लिए सिर्फ और सिर्फ राइटिंग स्किल्स पूछ लेते हैं। अब आप बोलोगे बट भैया हमें राइटिंग स्किल्स कैसे प्रिपेयर करना है? देखो राइटिंग स्किल प्रिपेयर करने के लिए एक काफी सिंपल सा सोल्यूशन है, जो भी आपके फॉर्मेट्स वगैरह हैं वो सारे आपको एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल एक एक टॉपिक पकड़ो, हम लोग है ना पत्र लेखन से स्टार्ट करेंगे, पत्र लेखन का जो सबसे लेटेस्ट वाला जो सबसे ऑफिशियल वाला फॉर्मेट रहेगा आपको उसे देखना है, उसे याद कर लेना है कि हर एक चीज कहाँ पे आएगी, एंड आपको हर एक वीक के अंदर एक एक टॉपिक उठाओ एंड उसे आपको प्रिपेयर करना है। फॉर एग्जांपल ये वीक के अंदर मैं आप सभी को चैलेंज देता हूँ, आपको पत्र लेखन यस पत्र लेखन का कोई भी टॉपिक उठाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का टॉपिक उठाओ, यस मैं आपको देता हूँ, मैं टेलीग्राम के ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एक टॉपिक अपलोड करूंगा, आपको वो देखना है, एंड देन आपको एक पत्र लेखन लिखना है, आपको खुद से पत्र लेखन लिखना है, एंड देन मेरे को भेज देना टेलीग्राम पे सेंड कर देना, फिर इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा के मेरे को मेंशन कर देना, आपको शाउट आउट भी मिल जाएगा। एंड ट्रस्ट मी गाइस एज अ बड़ा भाई बोल रहा हूँ, जो भी स्टूडेंट सिंसियरली पढ़ाई करेगा पूरे साल के अंदर सिंसियरली पढ़ाई करेगा उसे ही मार्क्स मिलने वाले हैं, ऐसे हर किसी को मार्क्स नहीं मिलते हैं, जो अच्छे से सिंसियरली सीरियसली पढ़ाई करेगा सिर्फ उसे ही मार्क्स मिलने वाले हैं। एंड देखो इसका एक फायदा क्या रहेगा ना, अगर आप पूरे साल के अंदर कंसिस्टेंटली लैंग्वेजेस को पढ़ते हो तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो ऑटोमेटिकली बूस्टअप होगा, मतलब आपको खुद को समझ में आएगा कि यस मैंने पढ़ाई की है एकदम अच्छे से पूरे साल में मैंने पढ़ाई की है, एंड अब मैं प्रिपेयर हूँ अपने बोर्ड एग्जाम के लिए, मैं आपको बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। यस ये जो वीडियो ये यूनिट टेस्ट टर्म एग्जाम के लिए नहीं है, ये आपकी वीडियो है बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑल्सो गाइज मैं आपको बोलूंगा आपके टेक्स्ट बुक के लास्ट में जो भी शब्दार्थ समानार्थी विरुद्धार्थी ये सब होते हैं आपको उन्हें एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, बिकॉज अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करोगे यस उसके लिए डेफिनेटली वीडियो आने वाली है, 100 कमेंट्स करवा देना यस भैया के मैं वीडियो लेके आ जाऊंगा, उसके अंदर टोटल 6-8 मार्क्स के लिए शब्दार्थ समानार्थी विरुद्धार्थी ये सारी छोटी मोटी चीजें पूछ लेते हैं, तो आप सभी लोगों को इन्हें एकदम अच्छे से प्रिपेयर करना है। एंड देखो बोनस के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर एक काफी इंपॉर्टेंट वीडियो का लिंक आ गया होगा, आपको उसे अभी के अभी चेकआउट करना है, एंड यस गाइस हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।